नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कॉमोडिटीज की और जानेंगे किस कॉमोडिटी में आगे आप कारोबार करके चल सकते हैं और कौन सी ऐसी कॉमोडिटी है जिसमें आगे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इन सब पे ज्यादा जानकारी के साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी जुड़ गई हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कॉमोडिटीज से। सोने चांदी में बता दें कि कल सोने चांदी में मामूली गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज सोने चांदी में हल्की तेजी देखने को मिली है। बता दें कि सोना आज 50,558 पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो ये 54,560 पे ये ट्रेड करता दिखा है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कि आज जो तेजी देखने को मिल रही है सोने चांदी में, क्या ये बरकरार रहेगी या फिर से कोई गिरावट बन सकती है? देखिए, जहां तक सोने और चांदी की बात है, अभी फेड की मीटिंग का कल जो है वेडनेसडे को आउटकम निकल कर आना है, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि 75 बेसिस पॉइंट से जो है इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले सोने में तेजी आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि गोल्ड ऊपरी डॉलर जो है डॉलर में वीकनेस आई है और उसकी वजह से गोल्ड के अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अभी कल मीटिंग में जो है मीटिंग के आउटकम्स आएंगे, उसके बाद जो है मार्केट की दिशा तय होगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सोने के अंदर बाइंग आती हुई जरूर दिखाई दी है। तो फिलहाल के लिए सोना 50,800 तक हो सकता है कि एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। जिस तरीके का निचले स्तरों पर एक बार खरीदारी देखने को मिली है, उसके चलते सोने में आज इंट्राडे में भी तेजी रह सकती है, लेकिन काफी रिस्की रहेगा क्योंकि कल हो सकता है कि एक बार फिर से करेक्शन में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 50,680 से लेकर 50,780 तक की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है और नीचे में 50,500 के स्टॉप लॉस के साथ आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाइंग करके चला जा सकता है। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बाइंग करके सोने चांदी में चला जा सकता है। रूपा जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो बता दें 7,842 पर यह ट्रेड करता दिखा है। साथ ही भारत सरकार कच्चे तेल के आयात को लेकर भी अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। बता दें सरकार तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक पर अपनी निर्भरता कम करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इस कदम के बाद से क्या कुछ फर्क पड़ेगा कच्चे तेल के बाजार पर, क्योंकि रूस समेत अन्य देशों से भी कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ा रही है भारत? देखिए, अभी जो ओवरऑल वर्ल्ड का सिनेरियो अगर देखा जाए तो कच्चा तेल अभी भी तेजी की तरफ एक बार फिर से दिखाता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रशिया की तरफ से नेचुरल गैस की सप्लाई को भी कम किया गया है और यूरोपियन देशों के लिए। और अभी जो है क्रूड, इसके चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रूड की डिमांड में जो है वो पिकअप आ सकता है और इस वजह से एक बार हमने फिर से देखा कि कच्चा तेल निचले स्तरों से संभलता हुआ दिखाई दिया है और उधर से यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक होने की भी एक्सपेक्टेशन पूरी पूरी है। तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। इस वजह से हमने देखा कि एक बार फिर से कच्चा तेल संभलता हुआ निचले स्तरों से दिखाई दिया है। और अभी की अगर देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है वो बंद हो जाता है तो सारी स्थितियां नॉर्मल होती दिखाई देंगी और फिर से आपको मार्केट जो है वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब तक ये युद्ध चल रहा है और सप्लाई डिस्टर्ब है, तब तक प्राइजेस में काफी उठापटक का माहौल बना रह सकता है। और अभी के लिए कच्चा तेल वापिस से बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इंट्राडे की बात करें तो 7,780 तक एक बार ऊपर जा सकता है। नीचे में 7,720 की रेंज है और ऊपर में 7,780 के ऊपर निकलता है तो 7,960 तक का टारगेट एक बार देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से इनमें बाइंग में रहा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि कल काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट्स निकल कर आने हैं। रूपा जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी काफी दिन से बनी हुई है। बता दें कि 690 पर ये लगभग ट्रेड करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि नेचुरल गैस का बाजार कैसा रह सकता है? जिस तरीके से सप्लाई डिस्टर्ब हुई है तो और उसकी वजह से एक बार फिर से नेचुरल गैस में अपसाइड बनता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल के लिए एक बार 720 तक ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। रूपा जी, अगर नॉन एग्री कॉमोडिटीज में बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल भी आज एक ऐसी कॉमोडिटी रही है जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। बता दें कॉपर की बात करें तो ये 640 पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं जिंक की बात करें ये लगभग 275 पर और एल्यूमिनियम भी 210 पर ट्रेड करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि जो
बेस मेटल का बाजार कैसा रह सकता है, क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए बेस मेटल की अभी पीछे जो गिरावट देखने को मिल रही थी, दरअसल सभी नॉन एग्री कमोडिटीज में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है और बाजार जो है एक बार फिर से तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी सीमित दायरा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बेस मेटल में अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर 650 तक एक बार हो सकता है कि तेजी में जाता हुआ दिखाई दे, और नीचे में वही इसकी रेंज जो है 580 तक की आती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकली देखें तो अगर गिरावट बढ़ती जो निकल गया तो वापस तेजी की तरफ वापस आ सकता है। वही एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी आज इंटरडे में 212 से लेकर 213 तक का स्तर देखने को मिल सकता है, यानी 1 से 1.5 रुपए की तेजी। रूपा जी, अगर ऑल ओवर इंटरडे में बात करें नॉन एग्री कमोडिटीज पे, कौन सी कमोडिटीज ऐसी रह सकती है जिसपे आगे कारोबार करके चला जा सकता है? रूपा जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि बेस मेटल का बाजार बता दें कि तेजी देखने को मिल रही है। तो जैसा कि रूपा जी भी बता रही हैं कि बेस मेटल का बाजार अच्छा है, बता दूं कि कॉपर बेस मेटल में 640 पर ट्रेड करता दिखाया है, उसमें तेजी देखने को मिल रही है। पहले कल भी इसमें तेजी थी और आज भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जिंक भी 275 पर ट्रेड करता दिख रहा है, इसमें भी इस कमोडिटी में भी तेजी बनी हुई है। तो ओवरऑल बेस मेटल के बाजार में आगे आपको मुनाफा हो सकता है, अच्छा कारोबार करके आप चल सकते हैं। साथ ही जैसा कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर हो या कच्चा तेल हो, कच्चे तेल में आगे आप आज बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को देख के अभी आप वेट कर सकते हैं। तो जैसा कि कच्चे तेल में भी बताया था कि ये 7842 पर ट्रेड करता दिखा था, और आज कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। कल ये $104 के करीब ये लुढ़का था, लेकिन आज इसमें कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही नेचुरल गैस का बाजार भी तेज है, और बता दें कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कच्चे तेल को लेकर भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात को लेकर भी रणनीति तैयार की है, और हो सकता है इस कदम से आगे कच्चे तेल के बाजार में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले। मैं बता दें कि गोल्ड सिल्वर भी आज 50,558 पर ट्रेड करता दिखा है, और सिल्वर की बात करें तो ये भी 54,560 पर ट्रेड करता दिखा है। दोनों कमोडिटीज़ में ही तेज़ी बनी रही है, ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। रूपा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल नॉन एग्री कमोडिटीज़ में ये रहेगा कि ओवरऑल इंटरडे में ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसमें आगे कारोबार करके चला जा सके, जिससे मुनाफा हो? जी रूपा जी, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एग्री कमोडिटीज पर।